हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग स्टडी सेंटर। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉरिशस की। एक्चुअली मॉरिशस में एक ऑयल टैंकर आ रहा था ब्राज़ील से, जो कि जापान की तरफ जा रहा था। सो उस ऑयल टैंकर से ऑयल स्पिल हो चुका, ऑयल लीक हो गया। सो और वो ऑयल लीक मॉरिशस के आइलैंड के पास में लीक हुआ है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉरिशस के बारे में, जिसने इस इवेंट पर मॉरिशस ने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और सो इमरजेंसी के बाद उसमें देखेंगे ऑयल स्पिल की जो प्रॉब्लम है और उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो मॉरिशस जो जिसने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया बिकॉज जापानी शिप आ रही थी जिससे और उससे फ्यूल जो है लीक होने लगा। देन ये जो न्यूज़ है जो कि मॉरिशस है वो इंडियन ओशन में जो एक आइलैंड है उसने जिसने इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया बिकॉज जो शिप आई थी उससे टन्स ऑफ फ्यूल डिक्ले वो स्पिल होने लगा या लीक होने लगा। सो जो शिप थी वो जापान की कंपनी थी जिसका नाम है MV वाकशियो, जो कि लगभग 4000 टन तक का फ्यूल कैरी करते हैं। और उस 4000 टन तक के फ्यूल में से लगभग या मोस्ट हम 1200 के लगभग टन का ऑयल ऑलरेडी निकल चुका था और बाकी का रिमेनिंग बच गया था और वो निकल रहा था धीरे धीरे। सो जो मॉरिशस है वो एक इंडियन ओशन में जो आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन आइलैंड कंट्री है जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है और उसकी करेंसी मॉरिशियन रुपी है और उसकी जो लैंग्वेज है वहाँ भी मोस्टली सिरोइल बोली जाती है, लेकिन 5.3% वहाँ पर भोजपुरी भी जो बोली जाती है और रिमेनिंग 7.1% वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रवीण जगन्नाथ हैं। सो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने बोला है कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1.3 मिलियन पॉपुलेशन वो इतना उनमें काबिलियत नहीं है या उसको कि उस प्रॉब्लम को टैकल कर सके बिकॉज इसकी जो मॉरिशस की जो कंट्री है वो मेनली हैवीली ऑन डिपेंडेंट टूरिज्म एंड इस वजह से उनको काफ़ी हिट लगा है बिकॉज इस वजह से उनकी जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर काफ़ी बड़ा हिट वो सेटबैक लगेगा और वहाँ की जो पॉपुलेशन है और इसको टैकल नहीं कर पाएगी। सो उन्होंने बोला है कि आवर कंट्री डज नॉट हैव द स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू रिफ्लोट ए स्टैंडर्ड शिप। सो और वहाँ के जो खराब वेदर की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सो उसने जो अपना जो नेबरिंग कंट्री है या जो फ्रांस का जो वहाँ पर आइलैंड है रियूनियन आइलैंड, उनसे बोला है कि वो उनकी मदद करें। सो इस पर फ्रांस ने अपने जो वहाँ का जो वहाँ पर जो आइलैंड है रियूनियन आइलैंड जो कि इंडियन ओशन में, उस वहाँ से एक वेसल मॉरिशस की तरफ भेजी है जो ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इसके अलावा जो जापान का जो शिप था तो सो जापान ने 6 मेंबर की टीम को जो एक्सपर्ट टीम है उसको मॉरिशस को असिस्ट करने के लिए मॉरिशस में भेज दिया। सो इसके अलावा जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर हैं जो वहाँ पर वहाँ की जो कोस्ट लाइन पर गैदर हुए हैं बी और एंड होल्ड बैक द ऑयली टाइड, जो लहरें आ रही हैं, जो ऑयली लहरें आ रही हैं उसको कोस्ट लाइन को पीछे धकेल रहे हैं उस ऑयली टाइड जो ऑयली टाइड को बिकॉज द ऑयली टाइड बाई और उस ऑयली टाइड को फ्लोटिंग बैरियर की वजह से पीछे धकेल रहे हैं जो कि स्ट्रोक की वजह से किया है। सो जो फ्रेंच आइलैंड जो है इसमें ये देखिए इसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा जो फ्रेंच यूनियन आइलैंड है एंड प्लस मॉरिशस के था, ये दिस इज मॉरिशस और मॉरिशस के लेफ्ट में फ्रेंच का यूनियन आइलैंड है। सो इस वजह से मॉरिशस ने सबसे पहले फ्रांस के यूनियन या फ्रांस से हेल्प मांगने के लिए बोला। ये ऐसे काफ़ी सारे तरह के वॉलंटियर आए हुए हैं जो मॉरिशस की हेल्प कर रहे हैं। सो वहाँ पर इस तरह की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सो पानी में ऑयल मिक्स हो गया, सो एकदम एक मूस तरह की मूस क्रिएट हो गया है। सो वहाँ पर काफ़ी सारे वॉलंटियर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर आ गए हैं और इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। सो इससे पहले भी जून के महीने में रशिया के जो नॉर्लिस्क सिटी में ऐसी एक और प्रॉब्लम आ गई थी और रशिया ने उस रीजन में इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी हर रीजन में ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें मोस्टली होती रहती है जब कोई शिप आता है तो ये सारी चीज़ें, और रशिया में तो ये प्रॉब्लम तो काफ़ी आम है। सो और इस प्रॉब्लम से मराइन इकोसिस्टम को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो मराइन इकोसिस्टम जो कि लार्जेस्ट ऑफ अर्थ एक्वाटिक इकोसिस्टम है
और आर डिस्टिंग्विश्ड बाय वाटर एंड दैट हैव ए हाई सॉल्ट कंटेंट, जो कि काफी बड़ा है. सो मराइन इकोसिस्टम वेट, जो मराइन इकोसिस्टम आर कंसीडर्ड टू बी द हैबिटेट एंड कंप्लीट द लार्ज सिस्टम फ्रॉम द सोर एंड डार्क सी फ्लोर. सो मराइन इकोसिस्टम इंक्लूड द काफी डार्क है, देन मराइन इकोसिस्टम जो कि ये सब चीजों को इंक्लूड लाइक मार्शेस, टाइडल जोन्स, देन एस्चुरीज, देन मैंग्रोव्स, द फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, देन लगून, सी ग्रास बेड्स, देन सी फ्लोर एंड द कोरल रीफ. मराइन इकोसिस्टम इन सब चीजों को इंक्लूड करता है, इन सब चीजों को मिला के मराइन इकोसिस्टम क्रिएट होता है. और जो मराइन इकोसिस्टम वो लार्जेस्ट ऑफ द अर्थ एक्वाटिक सिस्टम है. सो अगर ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो ये अर्थ के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. जब ये ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें इफेक्ट होते हैं, लाइक वाटर मराइन पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है. जब वाटर पोल्यूशन हो जाएगा या मराइन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगी और मराइन पोल्यूशन हो जाएगा, देन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, देन इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ जो वहाँ की है वो भी डिस्टर्ब होगी, देन कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट भी आएंगे. सो इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. सो जो वाटर पोल्यूशन या मराइन पोल्यूशन है वो कैसे हिट होगा. सो जब ऑयल वाइल्ड वाटर के साथ मिल जाता है तो एक तरह का मूस क्रिएट हो जाता है, और ये मूस बिकम वेरी स्टिकी, जो काफ़ी स्टिकी हो जाता है, और ये मूस काफ़ी स्टिकी हो जाता है. देन जो ऑयल होता है और जो ऑयल अकेला होता है, प्लस जब ऑयल प्लस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो मूस बन के और काफ़ी स्टिकी हो जाता है. तो इसको टैकल करना काफ़ी, बिकॉज इसकी वजह से वहाँ पर जो लाइट जो अंदर जाती है ओशन में, वो इसको रोकता, लाइट को रोकता है, जिसकी वजह से रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन. और सो इसके अंदर जब लाइट नहीं जाएगी तो ओशन के अंदर लाइट की कमी होगी, देन ऑक्सीजन की कमी होगी. सो उस एरिया में, सो उस इकोसिस्टम में सफोकेशन क्रिएट हो रहा है, जो कि मरीन लाइफ के लिए काफ़ी बुरा है. देन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सो ये भी मूस की वजह से इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मूस जो काफ़ी सारे जानवर को फूड की तरह लगता है. सो और काफ़ी सारे फिश जो हैं या बर्ड जो हैं उस मूस की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और फिर उनको कंज्यूम भी करते हैं. सो इसकी वजह से फूड साइकिल डिस्टर्ब होती है, जो मराइन की फूड साइकिल है. जब मूस को जो डिस्टर्ब वो मूस को जब कंज्यूम कर लेंगे तो इसकी वजह से फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. सो बिकॉज एल्गी एंड सी ग्रास बिकम टेंटेड, जब एल्गी और सी ग्रास मूस की वजह से ख़राब हो जाएंगी, सो इसकी वजह से जो वहाँ का जो पूरा एंटायर इकोसिस्टम है वो काफ़ी सालों तक अनहैबिटेबल हो जाएगा. फिर वो रहने लायक नहीं, रहने लायक क्या मतलब, वहाँ पर ना ही एल्गी और ना ही सी ग्रास, जो बाकी जो जानवर हैं जो फिश हैं वो वहाँ नहीं, काफ़ी सालों तक उनके लिए वो एरिया अनहैबिटेबल बन जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. देन इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, बिकॉज जब वो एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा या डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो वहाँ पर जो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, जो मराइन इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं, जो उनकी लाइफ या जिनकी जॉब ही उस पर डिपेंड है, वो वहाँ के लोग जॉबलेस हो जाएंगे, विच जो कि उस मराइन लाइफ पर डिपेंड करते हैं. देन इसकी वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट होंगे, जो कि इनमें से एक जो सोशल लाइफ वाला एग्जाम्पल था वो भी एक एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक इफेक्ट था. देन इसकी जो ऑयल स्पिल होता है तो उसको क्लियर करने के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट आती है या जो इसमें चैलेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से ये जो काफ़ी सारे जो चैलेंज और कॉस्ट है वो काफ़ी ह्यूज होती है. सो एक पर्टिकुलर छोटी मोटी कंट्री के लिए लाइक मॉरिशस के लिए वो काफ़ी बड़ा, बिकॉज जब ये इसको क्लियर करते हैं देन हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स इसमें खर्च हो जाते हैं इस ऑयल को क्लियर करने के लिए. सो और इसमें काफ़ी सारा रेवेन्यू जो जनरेट होता है किसी कंट्री का, वो इसी में खर्च हो जाता है. सो ये इकोनॉमिक इफेक्ट भी इसमें, और जब ये ऑयल स्पिल होता है तो उस कंट्री में जो टूरिज्म सेक्टर है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो उससे ग्रेटली इफेक्ट होती है, वो उस वजह से काफ़ी इफेक्ट होती है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक इफेक्ट. देन सो इस ऑयल स्पिल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें से एक टेक्निक है यूजिंग ऑयल बूम्स. जब ऑयल बूम्स को हम यूज करें, बिकॉज जो ऑयल बूम्स है उस ऑयल बूम की वजह से उस वो ऑयल को एक एरिया में कंटेन करते हैं, और उस एरिया को जो इस एरिया में कंटेन करते हैं उसको टेम्पररी जो ऑयल को वहीं पर ही रोक लेते हैं. सो एक ही जगह में वो ऑयल ना कंटेन करके रखते हैं. देन सेकंड टेक्निक है यूजिंग स्कीमर्स. स्कीमर एक डिवाइस है, और इस डिवाइस की वजह से उस ऑयल को रिकवर कर लेते हैं फ्रॉम द वाटर. सो ए डिवाइस फॉर रिकवरिंग स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम वाटर
सरफेस। सो वाटर सरफेस ऑयल को खींच लेते हैं और इसकी मस्त की वजह से। देन यूजिंग सॉर्बेंट, सॉर्बेंट की वजह से, सॉर्बेंट एक तरह का मटेरियल है जो कि ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। सो ऑयल सरफेस, सो वाटर सरफेस पर जो ऑयल फैला हुआ है सो उसको सॉर्बेंट की मदद से, सॉर्बेंट का यूज़ करके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इसके अलावा और भी तरीके हैं जो ऑयल स्पिल प्रॉब्लम को करने के लिए, लाइक बर्निंग इन सीटू, जो इन सीटू को जलाना, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें इस प्रोसेस में जो फ्लोटिंग ऑयल है उसमें आग लगा दी जाती है और इस वजह से वो ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम खत्म हुआ है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इन्वायरमेंटल इफेक्ट, बिकॉज जब ये आग लगती है तो वहाँ के आसपास की जितनी भी मराइन लाइफ है वो भी डेस्ट्रॉय हो जाती है। सो ये ट्रेडिशनल मेथड होने की वजह से इस पर थोड़े लॉसेस भी हैं। देन एक और है बायो रेमेडिएशन, बिकॉज इन बायो रेमेडिएशन में उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट हैं, उनका यूज करके उस ऑयल को ब्रेक करते हैं। सो जब ऑयल ब्रेक हो जाता है तो फिर उसको और क्लियर कर देते हैं वाटर को। सो ये कुछ तरीके हैं जो ऑयल स्पिल प्रॉब्लम को क्लीन करते हैं। देन इसकी वजह से जो कुछ इफेक्ट पड़ते हैं तो उसको कैसे टैकल करें, बिकॉज इसके लिए काफ़ी सारे लॉ एंड रेगुलेशन हैव बीन ऑपरेशन है वेट हाँ सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए काफ़ी सारे लॉ एंड रेगुलेशन है जिनको काफ़ी सारे ऑपरेशन भी हैं काफ़ी सारी कंट्रीज में, बट स्टिल ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम है जो या पॉल्यूशन है वो अभी भी राइज हो रही है। बिकॉज जो लॉ है ना वो ग्राउंड लेवल पर ढंग अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मेंटेनेंस हैं, वो रेगुलरली चेक नहीं हो रही। सो इन ऑल्सो जब तक लॉज हैं जो रेगुलेशन उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ ऐसी बनी रहेंगी। सो इस चीज़ को करने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस होना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। देन डॉक्यूमेंटेशन होता है जो वेसल्स वगैरह या जो ऑयल शिप्स को जो शिप्स ऑयल को कैरी करके ले जाए उनका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके चलना पड़े। और इसके साथ भी जो वेसल्स के लिए जो वेसल्स हैं उनकी मॉक ड्रिल है उनको मैंडेटरी करना कर देनी चाहिए, ताकि अगर आगे ऐसी इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम इमरजेंसी होती है तो उसको टैकल कर सकें। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द स्टडी सेंटर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।